वेलकम स्टूडेंट, आज के क्लास में बीएड के सिलेबस में जो है आप लोगों का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया था, उसका सरकार की संस्थागत ढांचा क्या है। संस्थागत ढांचा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सरकार के तीनों अंगों के बारे में, और हम पढ़ने के बाद हम यह निष्कर्ष पर निकलते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश का सर्वोच्च होता है और कानून बनने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के सहमति की कोई भी विधेयक जो है वो पारित नहीं होती है, संवैधानिक मान्यता उसे प्रदान नहीं किया जाता है। तो आज हम जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति के पद पे जो है कौन बन सकता है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनने योग्य होता है, उसके कार्य अधिकार क्या होते हैं। तो आते हैं, चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल है, सबों का पद पहले से वर्णित होता है। ठीक उसी तरह से संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, यानी 52 से लेकर 78 तक में जो है वो संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में मुख्य रूप से आते हैं हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के इत्यादि सदस्य जो है वो इसमें शामिल होते हैं जो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है और प्रथम नागरिक भी होता है, और राष्ट्र की सारी एकता, अखंडता, सुदृढ़ता इनके ऊपर ही होती है, यह उन सबका प्रतीक होता है। आते हैं अब हम आगे कि उनका निर्वाचन कैसे होता है। हम जानते हैं कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो वो एक आम चुनाव होता है जिसमें आम जनता जो है वो भाग लेती है, मतदान के द्वारा अपने मतों का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करती है, चुनती है अच्छे प्रतिनिधियों को। ठीक उसी प्रकार से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उनका चुनाव किस प्रकार से होता है हम उसके बारे में आगे जानेंगे।